देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए जिस इलाके को नकली नोटों की मंडी का नाम दे चुकी है उसके बारे में हमारा आज का खुलासा देखेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। एक ऐसे इलाका जो कि बॉर्डर से सटा हुआ है, जहां खुलेआम हथियारों का खेल होता है, जहां से लड़कियों की तस्करी होती है, वहां सच को सामने लाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ा। सोचिए कितना बड़ा जोखिम है ये। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने जोखिम लिया और ये स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया है, उसे अंजाम दिया है। कोलकाता से 360 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में नोटबंदी से पहले नकली नोटों की मंडी लगती है। नोटबंदी के बाद अब नोट बदलने की मंडी सजी है। आइए देखते हैं हमारी ये बड़ी पेशकश। नोटबंदी से पहले पश्चिम बंगाल का मालदा इलाका देश की बड़ी नकली नोटों की मंडी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन नोटबंदी के बाद यहां पर नकली नोटों की तस्करी बंद हो गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अब यहां पर कोई नया गोरखधंधा शुरू हो गया है, नया गोरखधंधा नई करेंसी से जुड़ा हुआ। ये जानने के लिए ही एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है बांग्लादेश सीमा से सटे हुए मालदा इलाके में। नकली नोटों की सबसे बड़ी मंडी में नकली नोटों के सौदे की तफ्तीश शुरू हुई दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर भारत बांग्लादेश बॉर्डर से। 4000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर से ही सटा हुआ है पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। 8 नवंबर से पहले मालदा की पहचान नकली नोटों की सबसे बड़ी मंडी की, यह पहचान दी हुई है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए बीएसएफ की। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में मालदा के लोग बांग्लादेश से आने वाले नकली नोटों की स्मगलिंग में शामिल थे। बांग्लादेश के बॉर्डर में सीन लगाने के बाद नकली नोट मालदा आते थे और मालदा से देश भर में सप्लाई की जाती थी। स्मगलर्स होते थे, वो नकली नोटों की जो पोटली होती थी या बैग होता था उसको वो वहां से फेंस के यानी कटवी तारों के दूसरी तरफ से फेंक देते थे, और सामने जो छोटे छोटे ये बाग दिखाई दे रहे हैं, बगिया दिखाई दे रही हैं केलों की या और दूसरी, वहां पर उनके जो कुरियर्स हैं, वो उनके जो लोग हैं वो छिपे बैठे रहते थे, और जैसे ही उन्हें मौका लगता था वो यहां से ये बैग यहां पर कहीं गिरता था उसको लेकर यहां से फरार हो जाते थे। 8 नवंबर की रात 8 बजे पीएम मोदी के ऐलान ने मालदा में नकली नोटों की मंडी को धराशायी कर दिया। जो लोग नकली नोटों की मंडी में काम कर रहे थे वो क्या करने वाले हैं लाखों करोड़ों के नकली नोटों के ढेर का, उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अभी तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि नकली नोटों की मंडी के बंद होने के बाद नकली नोटों के सौदागरों ने क्या नया धंधा शुरू किया। एबीपी न्यूज को पता चला कि मालदा में मंडी बंद होने के बाद नोट बदलवाने के संगठित गिरोह ने काम करना शुरू कर दिया। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत और कैमरामैन श्यामल जीना नोट बदलवाने के संगठित गिरोह के ठिकाने के खुफिया मिशन पर निकले। नीरज को ये तो भनक लग गई थी कि मालदा में 500 हजार के पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का धंधा चल रहा है, लेकिन चुनौती ये थी कि नोटों के सौदागरों तक पहुंचा कैसे जाए, पहुंच भी गए तो देश से गद्दारी का ये सच कैसे कैमरे पर लाया जाए। खैर ढूंढते ढूंढते नीरज राजपूत मालदा और कालियाचक में सही जगह तक सही लोगों तक पहुंच ही गए, जहां उनका सामना हुआ नोटों के दलालों से। पता चला नोट बदलवाने का फॉर्मूला। आगे का सच दिखाने से पहले आपको बता दें कि आगे नीरज के साथ जिन चार दलालों को देखने वाले हैं वो हैं कौन। दलाल नंबर 1 मंटू, दलाल नंबर 2 अधीर मंडल, दलाल नंबर 3 खैरुल और दलाल नंबर 4 लट्टू। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक एक करके नोटों के ये खलनायक आपकी टीवी स्क्रीन पर बेपर्दा होने वाले हैं। मालदा के नोटों की मंडी लगाकर बैठे दलालों का पता मिल चुका था। ना तो पहुंचना आसान था ना उनसे सच उगलवाना। अब आप जो देखने वाले हैं वो मंडी का सबसे बड़ा सच है। खुद दलाल बताएंगे कि कैसे मालदा में नकली नोटों की मंडी बंद होने के बाद शुरू हुई नोट बदलवाने की मंडी। खुफिया कैमरे पर कमीशन के लालच में दलाल लोग एबीपी न्यूज के नीरज राजपूत के सामने सच उगलते जा रहे थे।
इन दलालों तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक था। मालदा के कालियाचक इलाके से हाईवे नंबर 34 को छोड़ने के बाद नीरज निकल चुके थे बांग्लादेश सीमा पर बसे गांव की तरफ। यह हाईवे कोलकाता को दार्जिलिंग से जोड़ता है और मालदा से होकर गुजरता है। हाईवे छोड़ने के बाद आगे का रास्ता बेहद खराब और दुर्गम था। कार से चलने लायक तो बिल्कुल नहीं था। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए और बेहद दुर्गम रास्तों से होते हुए हम पहुंचे मालदा इलाके के उन गांव में जो कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बसे हैं और जो कभी नकली नोटों की तस्करी के लिए कुख्यात थे। ये गांव दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा पर लगी कटीली तार यानी फेंसिंग के बेहद करीब बसे हैं। बीएसएफ के जवान यहाँ दिन रात पहरा देते हैं। बावजूद इसके यहाँ के लोग अब पुराने नोटों को नया करने के धंधे में जुट गए हैं। नीरज वहां पहुंचे थे जहां बेपर्दा होने वाले थे मालदा के खलनायक। बांग्लादेश की सीमा से सटे गांव में पहुंचते ही कुछ लोग नीरज के पास आए। वो जानना चाहते थे कि ये यहां क्यों आए हैं। नीरज ने बताया कि हम यूपी के नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी से आए हैं, कंपनी का काला धन ठिकाने लगाना है। तब तक दो लोग बाइक से भी आ गए। मामला जानने समझने के लिए एक ने तो फौरन मना कर दिया लेकिन दूसरा पुराने नोट एक्सचेंज कराने के लिए मान गया। कैश एक्सचेंज हो जाएगा? यस। कैश पुराना नोट एक्सचेंज हो जाएगा? हाँ पर होगा, नोट अभी है पर लकी का कुछ जाए स्टार्ट ओ टाका जो वही एक्सचेंजर के वही तो टाका आछे हाँ तो एक्सचेंज कर तो पारे ना भांगे तो पारे ना हम लोग यहाँ पर रुपया किसी के पास नहीं है। जो था हमारे यहाँ पर पंजाब का शाखा है ना, इधर ही सब जमा कर दिया। जेबना गाड़ी नया नोट नहीं है? नया नोट उतना नहीं है, सब 2,000-4,000 करके देते हैं बैंक में। कितना रुपया कभी आ नहीं रहा बांग्लादेश से? नहीं नहीं वो बात नहीं, कितना कितना पैसा है? अच्छा हमारे पास जो है करीब होगा 1,00,000 के आसपास। 20,000 लग जाएगा? 20,000 रुपये लगेगा। और नया नोट मिल जाएगा कब? अभी देगा? अभी कल, कल ले आएंगे। 20,000 ज़्यादा नहीं है? ठीक है अब जाकर बात करो, पहले तो भेंट करेगा, रास्ता में तो भेंट हुआ। ठीक है थोड़ा आपका जो कमीशन होगा आप ले ले लेंगे, जो करेगा उसके पास लेके चलो, हम लोग बात बात करेंगे, डायरेक्ट बात बात करा। फोन नंबर ले लीजिए, फोन नंबर ले लीजिए। इस बातचीत का निचोड़ ये था कि यहाँ नोटों का धंधा हो रहा है। सबूत ये कि दलाल मंटू 1,00,000 के पुराने नोट बदलने के लिए तैयार था, बदले में 20% कमीशन मांगा। लेकिन मंटू स्याना निकला, हमारे हाव भाव देखकर उसे शक हो गया। तो दिल में कुछ काला है तो नहीं क्या? मंटू खिलाड़ी आदमी था, उसने हमारी झूठी कहानी को सच नहीं माना। बॉर्डर के पास दाल में काला सूंघ कर वो 9-2-11 हो गया। लेकिन उसके साथ वाला आदमी हमारे पास खड़ा रहा। इस आदमी का नाम है अधीर मंडल यानी दलाल नंबर 2। अधीर पहले हमें मना कर चुका था लेकिन मंटू की डील नहीं पटी तो उसके मन में लड्डू फूट पड़ा। उसने अपना ऑफर हमारे सामने रखा। किसको पार्टी का पूछना पड़ेगा जिसका पास पैसा लेन देन करते हैं ना, मुंशी लोग का पास पैसा बजट कह जा रहा है। कम पैसा मतलब बैरून का जो बैंक का शाखा है ना, जो इधर मैनेजर बैठते हैं उससे बात कर लेता हूँ। तो वो कर देगा? कौन सा बैंक है? छोटा है। अच्छा छोटा है, वो कुछ उसका 10,000 में हो जाए भाई, 10,000 कम दे दे। बिल्कुल 10,000 में कर दे। तो ये जो नई करेंसी बैंक वाले दे रहे हैं? हाँ 2,000 का नोट। 2,000 का नोट दे रहे हैं? और हम बॉर्डर से तो नहीं आ रहे? बॉर्डर से नहीं आ रहे? ना ना ना, बॉर्डर से बंद हो गया। FICN नकली करेंसी अब नहीं आ रही है? जो शाम को जाऊँगा उसका घर बात करूँगा, उसके बाद
जो हो जाएगा तो आपको शाम को फोन लगा के बता दूंगा, और नहीं होगा तो दूसरे के पास होगा तो कर लेगा। प्राइवेट भी है इनके पास कोई बंदा ना, तो कर देगा होगा तो ये करा देंगे, तो ये करा देंगे तो थोड़ा बहुत और भी हम लोगों के पास है बाद में ना वो करने के लिए। अधीर मंडल से बातचीत का मतलब था उसकी बैंक मैनेजर से सेटिंग है जो पुराने नोट को नए नोट में बदल देगा। नकली नोटों का धंधा बंद होने के बाद बैंक के जरिए मालदा में पुराने नोट बदलने का खेल निकला था। नकली नोटों की मंडी में बैठने वाला एक भी काला कारोबारी अब बेरोजगार नहीं था। नोटों की मंडी में स्टिंग ऑपरेशन के कुछ और सच सामने आएंगे। आगे सवाल का जवाब मिलेगा कि नकली नोटों की मंडी में बैठने वालों के पास असली नोट कैसे आने लगे। नोटों की अदला बदली के जरिए रोजगार कमाने का काम मालदा में चल निकला था। सवाल यह था कि दलालों का जुगाड़ कहां है। नकली नोटों का धंधा करने वाले असली नोट की दलाली कर रहे थे, लेकिन असली नोट आ कहां से रहे थे। इस शक का जवाब वही था जिसकी आशंका थी, और वो जवाब था बैंक मैनेजर। दलाल अधीर मंडल से नीरज की सेटिंग हो चुकी थी। कार अब अधीर को उसके घर की ओर लेकर चल पड़ी। अधीर से अब ये जानना था कि नकली नोटों का धंधा बंद होने के बाद नकली नोटों के स्टॉक का क्या हो रहा है। अच्छा, जैसे पहले नकली करेंसी बनती भी थी यहाँ पे? हाँ, नकली नोट तो बहुत पहले कारोबार हुआ, इधर से दौलापुर से, सतगुरपुर से, हर जगह से आता था। बांग्लादेश से इधर में जीएसएम ने पकड़ाया कितना था। अच्छा, अभी भी जेल में है बहुत आदमी। अच्छा, दौलापुर का, सुहागपुर का। तो अभी जब से ये नई नोट बंदी आई है, मतलब कि पुरानी नोट बंद कर दिए, उसे जलाना पड़ेगा, सब पुरानी करेंसी सब जलानी पड़ेगी। गपशप करते हुए अधीर का गांव आ चुका था। गांव बांग्लादेश बॉर्डर से बस कुछ फीट की दूरी पर था। बीएसएफ का जबरदस्त पहरा था, फिर भी अधीर जैसे दलाल बेखौफ नोटों की मंडी खोलकर धंधा कर रहे हैं। अधीर अपने घर जा चुका था। नीरज वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ते में बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम ने रोक लिया। हमारी तफ्तीश आगे बढ़ने को थी अधीर की मदद से। फोन पर अधीर से बातचीत होती रही। अधीर के बुलाने पर नीरज फिर गांव की ओर चल दिए। देखते ही अधीर ने कैश मांगा। देगा आप देगा और तो आप पहले बात तो पूरी करो ना कि भाई हम बात हो गया पूरा उसके साथ मोबाइल मोबाइल से हो गई बात मोबाइल पे। कितना कह रहा है, क्या कह रहा है? 80,000 देगा। 80,000 लेगा, मतलब 1,00,000 ना आपका 1,00,000 देना पड़ेगा, वो 80,000 देगा, वो 80,000 रुपए दे देगा। बैंक वाला था उसका क्या? परेशानी ये आ गई कि बैंक मैनेजर ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि बैंक में कैश नहीं था। अब अधीर एक और दलाल को बीच में ले आया। तो अभी जिससे बात हुई है वो कौन है, मतलब प्राइवेट आदमी है या बैंक वाला? प्राइवेट आदमी नहीं, वो ऑक्शनर है। वो है जो बीएसएफ में जितना सामान पकड़ते हैं ना, दो नंबर सामान, वो ऑक्शन लेते हैं। अच्छा, ऑक्शन वाला है वो। अच्छा, बीएसएफ का जो सामान जो ये करता है, खरीदता है, गोरू पकड़ते हैं, बाप कुछ सामान पकड़ते हैं। अच्छा, वही लेते हैं पूरा। अच्छा, सरकार के माध्यम से कस्टम का माध्यम। और जो बैंक वाला था उसका क्या हुआ? वो बोलते हैं हम तो लेना देना बंद कर दिया, मेरे पास तो कैश नहीं है। अच्छा, लेकिन या फिर बैंक में हुआ, सुबह उसके साथ भेंट हुआ था। अच्छा, फिर तो बोलते हैं दादा अभी तो मेरा पास कैश नहीं है, दे दूँ, नहीं होगा अभी। उसको बोलो थोड़ा रुक जाते हैं, कैश जब होगा तब करवा दे, उससे आप बात करके रखना है ना। अगर कैश जिस दिन आता है उस दिन, और हमारे पास तो और भी कैश है, हमारे पास ज़्यादा कैश है। ठीक है, तो इसके साथ बात करता हूँ कि आप दूसरा पार्टी ठीक कर सकते हैं। इसका ये तो पैसा वाला आदमी है। अच्छा, ऑक्शनर वाला। हाँ, तो उसके बताता हूँ कि और कुछ लेगा आगे नहीं। ठीक है, और ज़्यादा ले लेते आगे। ये तो ले, जितना अभी बात किया है। अभी मिलेगा वो ऑक्शन वाला? अभी नहीं, अभी उसका घर है सुखदेवपुर। अच्छा, सुखदेवपुर। हाँ, फोन में बात हुआ। उसका एक आदमी इधर में रहते हैं, काम करते हैं। अच्छा, साथ ही बात करा कर उसका फोन नंबर लेकर बात किया था। अच्छा, तो हम उस बोला था रुपये लेके आ जाओ बैंक में। तो हम भैया अभी तो आपका फोन आ गया था, हमको बंदा तो इधर ही है, तो रुपया आने के बोल रहा हूँ। अच्छा, दो तीन घंटा लग जाएगा।
अभी बात कर लो, मुझे सुबह आएगा ना, आज दर नहीं आएगा रुपया आपका, ठीक है? नहीं हाँ, शाम तक या फिर कल ही कर लेंगे, आप उससे पूछ लो कितने तक में चल जाना था आपको, गाड़ी लेकर के आप इतने दूर आपस चल आना था। नोटों की मंडी में अब तक जो दलाल मिले वो 20% कमीशन पर काम करने को तैयार थे, लेकिन क्या दलाली का यही एक रेट इस मंडी में है? इसका जवाब आगे जाएगा नहीं। आप देख रहे हैं आज की तारीख में नोटों की मंडी में एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। अब तक आप समझ गए होंगे कि मालदा की मंडी में किस्म किस्म के दलाल थे, लेकिन क्या सबका एक ही रेट था? जी हां, बिल्कुल नहीं। एक दलाल ऐसा मिला जिसका रेट बाकी सारे दलालों से ज्यादा था। अब सीन में तीसरे दलाल खैरुल की एंट्री होनी थी। खैरुल पुराने नोट बैंक में जमा करता और हाथों हाथ नए नोट लेकर आता। कितना ले लेगा? 2 लाख चाह रहा वो। हाँ, 2 लाख भी ले लेगा। 2 लाख ले लेगा वो। कमीशन कितना लेगा? कमीशन लेगा सर 40,000 ले लेगा। 2 लाख 40,000 बहुत ज्यादा नहीं है? 40,000 तो क्या करूँ, बात ऐसा तो होता ही नहीं। बात हो गया, बात हो गया, आप वापस जाइए, ठीक है? अच्छा, कैश अभी मिल जाएगा हम लोगों को? कैश दे देगा, बताओ ना, आप मिलेगा, ठीक है। मालदा में एबीपी न्यूज की जांच पड़ताल में ये बात भी निकलकर सामने आई कि जितने भी बड़े और शातिर खिलाड़ी पुराने नोटों को नए नोट करने के धंधे में जुटे हुए हैं, वो सब कभी भी सामने नहीं आते, बल्कि अपना ये गोरख धंधा वे अपने एजेंट, कुरियर या फिर गुर्गो के जरिए कर रहे हैं। ये मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा कि नकली नोटों की तस्करी के लिए किया जाता रहा है। तफ्तीश के दौरान एक और दलाल लट्टू नीरज से टकराया। इसका रेट ज्यादा था, 1 लाख के पुराने नोट बदलवाता तो खुद 30,000 रख लेता। लट्टू किसी और के लिए काम करने वाला दलाल था। एक लाख में 30,000 ले लगा। 30,000 एक लाख में? 30,000 तो बहुत ज्यादा है। और संग संग चेक दे देगा। अच्छा, चेक दे देगा, लेकिन कैश नहीं हो पाएगा? कैश नहीं होगा, चेक देगा। चेक बाउंस कर गया तो? हाँ, चेक बाउंस कर गया। बाउंस अगर नहीं हुआ अकाउंट में पैसे? नहीं, अकाउंट खाली नहीं है। पैसा उसका जो देगा उसका अकाउंट में है पैसा? क्या? हाँ, तो अकाउंट में है नहीं है, देम नहीं देगा अपना आपके बच्चे। ये क्या यही काम करता है ना? गल्ला माल का वही सब कुम सुने सब माल लेता है। अच्छा, बहुत पैसा वाला लोग है। 4 लाख लेगा। 5 लाख। अधीर, खैरुल, लट्टू सबसे बात करके नीरज निकल गए। नीरज को नोट बदलवाने नहीं थे, सिर्फ नोटों की मंडी का सच सामने लाना था। सच सामने था कि पुलिस, बीएसएफ, एनआईए की नाक के नीचे एक नाजायज धंधा बंद हुआ तो दूसरा धंधा फलने फूलने लगा। मालदा के सीनियर पुलिस अफसरों ने कैमरे पर एबीपी न्यूज से बात नहीं की, बस इतना कहा कि वो देख रहे हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि बांग्लादेश सीमा से सटे हुए गांव के जो लोग पहले नकली नोटों की तस्करी किया करते थे, वो अब पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने का गोरख धंधा उन्होंने शुरू कर दिया है। और इस गोरख धंधे में उनका साथ देते हैं इस इलाके के ही बैंक के कुछ अधिकारी और साथ ही बड़े व्यापारी। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस, बीएसएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इस इलाके में पनप रही नई आपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम कसें। कैमरामैन श्याम जाना के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, भारत बांग्लादेश सीमा, मालदा। मालदा के बारे में अब तक आपने जो देखा वो काफी नहीं है। मालदा में और भी बहुत कुछ हो रहा है जिसमें इसे बदनामी के सिवा कुछ नहीं दिया। सोचिए, जिस इलाके की तुलना मिनी अफगानिस्तान से होने लगे वो इलाका कैसा होगा? कोलकाता से 360 किलोमीटर दूर कोलकाता दार्जिलिंग नेशनल हाईवे नंबर 34 पर मालदा शहर दिखता है। ये आम शहर जैसा है, भीड़ भाड़ और घनी आबादी।
मालदा में सब कुछ आम शहरों जैसा है, लेकिन पहचान सबसे अलग है। मिनी अफगानिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है मालदा। इस पहचान के लिए जिम्मेदार है मालदा के कुछ लोगों की काली करतूतें और 10-15 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा का होना। आपने मालदा के आम के बारे में सुना होगा। मालदा में आम तो अपनी जगह है, लेकिन मालदा में आम बात हो गई है अपराध की घटनाएं, लड़कियों की तस्करी, नकली नोटों की तस्करी, पशु तस्करी, हथियारों की सौदेबाजी, अफीम की खेती। ऐसा लगता है कि अपराध ने मालदा को अपना कैपिटल बना लिया है। अपराध का गढ़ बनने के कारण ही मालदा के करीब फरक्का में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA को अपना दफ्तर खोलना पड़ गया। कहने को तो मालदा में कानून का राज है, लेकिन असल में राज चलता है अपराधियों का। पुलिस तो होती ही है, सीमा से सटे होने के कारण BSF की भी तैनाती है। फिर भी मालदा की मिनी अफगानिस्तान की पहचान मिट नहीं रही। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भारत में नकली नोटों के लिए मालदा को अपना एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है। हालांकि नोटबंदी के बाद फिलहाल नकली नोटों का धंधा मंदा पड़ चुका है। BSF के आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी से पहले एक साल में 1 करोड़ के नकली नोट जब्त हुए। अंदर से इधर फेंक रहा था ऊपर से, तो अब यो मोदी सरकार ने नया लोट चालू किया ना, इसलिए नहीं हो रहा है। आगे जे पहले जे मोदी था ना, जे काला टका के बंदीकरण के लिए आगे एखन बंद हो जाएगा सर, आगे चलता है एखन बंद हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से सटा होने और कुछ गांवों के बिल्कुल बॉर्डर पर होने के कारण मालदा में पाकिस्तान बांग्लादेश को कुछ नाजायज करने के लिए ज्यादा साजिश नहीं रचनी पड़ती। बॉर्डर के उस पार से इस पार पैकेट फेंकने से ही तस्करी हो जाती है। ये सब होता था जबकि क्योंकि पेट्रोलिंग यहाँ पर BSF की होती रहती थी, लेकिन जैसे ही जवान थोड़ा पेट्रोलिंग करते हुए दूर निकलते थे तो यहाँ से जो स्मगलर्स हैं या तस्कर हैं या कुरियर्स हैं वो यहाँ से बैग लेकर चले जाते थे, और उसके बाद इस नकली करेंसी को देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता था। यानी कि मालदा एक बड़े ट्रांजिट पॉइंट की तरह या ट्रांजिट रूट की तरह नकली नोटों की करेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मालदा के काली याचक को अपराधियों का अड्डा माना जाता है। बॉर्डर पार की साजिश में यहाँ के लोग आसानी से शामिल हो जाते हैं। कालिया चौक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, इसीलिए नकली नोट का कुछ भी हथियार के लिए कालिया चौक बहुत खतरनाक जगह है। ये हर किस्म का आदमी कालिया चौक में है। मालदा में अफीम की खेती ने भी कम जहर नहीं बोया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के बाद अब अफीम की खेती बंद हो चुकी है, लेकिन लड़कियों की तस्करी के लिए अब भी मालदा का इस्तेमाल हो रहा है। मालदा इलाका सिर्फ नकली नोटों की तस्करी के लिए ही बदनाम नहीं था, ये इलाका अफीम की खेती के लिए भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के लोग हैं वो अफीम की खेती किया करते थे। साथ ही मानव तस्करी का जो रूट है, बांग्लादेश से जो भोली भाली लड़कियों को भारत में लाकर भेजा जाता है, उसका रूट भी मालदा इलाके से होकर गुजरता था। लेकिन जब सरकार ने और सुरक्षा एजेंसियों ने सख्ती बरती तो अब यहाँ के जो लोग हैं वो अफीम की खेती यहाँ पर लगभग बंद कर दी गई है, यहाँ पर अब अफीम की खेती नहीं होती है। मालदा बदनाम पहचान के संकट से गुजर रहा है। सरकारें दिल्ली में भी हैं और कोलकाता में भी, लेकिन मालदा को बचाने के लिए जितना कुछ करना चाहिए था शायद उसमें कमी के कारण ही मालदा बदनामी के दलदल में धंसता जा रहा है। कैमरामैन श्यामल जाना के साथ नीरज राजपूत, ABP News, मालदा, पश्चिम बंगाल।